देशी शराब की बोतल बम की तरह डरा रही है, समझ में नहीं आवे इसे कहां फेंकूं। लगता है बिलासी जी फिर किसी बात में नाराज हो गए। ये सीताराम बियानी मारे को ऐसे घूर क्यों रहा है? कहीं इसने बोतल देख तो नहीं ली? मैं अभी आया। बिलासी जी, अरे हो, बिलासी जी, बिलासी जी, बड़ा ढीठ है ये सीताराम, ऐसे मारा पीछा नहीं छोड़ेगा ये। अरे बिलासी जी, हाँ कहाँ जा रहे थे? मार क्यों, क्या हुआ? देखिए भाई साहब, ना अब तक हम दोनों परिवारों के बीच जो कुछ हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। शादी बस होने ही जा रही है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मन की सारी कलवाहट भुलाकर इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए और हम लोगों के साथ चलकर बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। चलिए ना। आप इतनी विनम्रता से कह रहे हैं तो मैं भी चाहूंगा कि दूध फटकर मट्ठा ना बने, दूध ही रहे। आपका दिल रखने के लिए इतना भी ना कर पाऊं तो पुदार कैसे कहलाऊंगा। चलिए, मन ने भी आपके परिवार के साथ रिश्ता स्वीकार है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपसे यही उम्मीद थी। पता है आज तक सुना ही था कि जो लोग ऊपर से कड़क दिखते हैं उनका दिल मोम जैसा नरम होता है। आज आपको देखकर उस बात पर विश्वास आ गया। आपने सही सुना है, मैं भी उनमें से नहीं हूं कि गंदगी में नाक घुसेड़ूं और कहूं इसमें बदबू आ रही। मारे लिए तो चुटकी बराबर है दुश्मनी को भूल जाना। आपने दोस्ती का प्रस्ताव रखा और मैं दुश्मनी भूल गया। क्या बात है, आइए। क्या हुआ भाई साहब, लगता है अभी भी मन में कुछ कड़वाहट है जो खुलकर गले नहीं मिल रहे हैं। जब दिल से दिल मिल गए तो गले क्या मिलना, खुलकर गले मिलने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। कितना प्यारा लग रहा है आपका दामाद। चलो, हमने आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी, मिल लिया खुलकर गले। आज का दिन ना मैं भूल पाऊंगा ना आप। वहां चलकर तैयारी कीजिए, मैं यहां मेहमानों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सीताराम बियानी, कैसे समझाऊं थारे को कि मारी दुश्मनी थारे से कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जैसे आसमां धरती से नहीं मिल सकता, वैसे ही थारे परिवार का रिश्ता मारे परिवार से कभी जुड़ ही नहीं सकता। मजबूरी में जुड़ा हुआ ये रिश्ता कुछ ही पलों में टूट जाएगा जब थारी छोरी नशे में धुत अपने डगमगाते कदम इस लग्न मंडप में रखेगी।
रीति पूरी तरीके से तैयार हो गई ना? बहुत खूबसूरत लग रही। चल मंडप में सब वेट कर रहे। एक मिनट दिव्या के लिए रुक जाते, वो वॉशरूम गई है। अरे वो आ जाएगी, चल चल बाहर सब वेट कर। चल हाँ, चल चल, चल, चल। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये पिया मन भाने वाली दुल्हन है या पियक्कड़ दुल्हन है।